हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो अभी हम क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन थ्री काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है वो। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, दिया है 10 a + b दैट इज इक्वल टू √3। सो देयरफॉर 10 a + b, तो 10 के वैल्यू टेबल में √3 कब आएगा? 1060। ओके, 1060। तो देयरफॉर यू कैन कंपेयर द आर्ग्यूमेंट्स और यू कैन से एंगल्स, ठीक है। 10 से 10 ऐसे कैंसिल मत कर देना, ठीक है, दैट इज अ रॉन्ग टेक्निक। सो ए प्लस बी इक्वल टू 60 यहाँ पे हमें मिल गया। चलिए दूसरा इक्वेशन देख लो, 10 a - b दैट इज गिवन 1 by √3। तो 10 a - b, तो 1 by √3 कब आएगा? 1030। तो आर्ग्यूमेंट कंपेयर कर लो, तो दैट इज द सेकेंड थिंग। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ओके, तो ये होगा a + b और ये 30, बी से बी कैंसल, ये होगा 2a इज इक्वल टू 60 by 60 + 30, सो दैट विल बी 90। तो a का वैल्यू आएगा 45। ओके, दोनों में से एक इक्वेशन कोई भी कंसिडर कर लो। बाई वन यू कैन राइट b इक्वल टू 60 - a, तो 60 - 45, तो b का वैल्यू आएगा 50। देखा कितना इजी था वो। चलिए हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन फोर में बताया है, चलिए बता देते ट्रू है या फॉल्स है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, चेक करते हैं ये वैलिड है या नहीं। ए को मान लो 60 है, बी को मान लो 30 है, तो ये 60 + 30 साइन 90 हो गया, तो इसका वैल्यू होना है 1। इसका देखो, ये 60 है, ये 30 है, ये √3/2 + 1/2, तो इसका वैल्यू आया √3 + 1/2। तो ये और ये आर नॉट इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो, फिर होता है 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो जैसे थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा खुद भी बढ़ रहा है, देखो उसका वैल्यू 0 से 1 तक आ गया, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं होगा। देखो कॉस थीटा है वो साइन से उल्टा चलेगा, तो ये होगा 1, ये होगा √3/2, फिर 45 पे 1/√2 होता है, फिर 60 पे हाफ और फिर 0। तो इसमें जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है, कॉस थीटा इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, तो ये होगा फॉल्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, मान लो थीटा इज इक्वल टू 30 कंसिडर कर लो, तो साइन 30 कितना होता है? हाफ। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो डेफिनेटली नॉट, ये आंसर गलत है। चलिए तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर तो सही लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इट इज ओनली ट्रू फॉर, ओनली ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल टू 45। अगर 45 रहा तभी ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि तभी दोनों का वैल्यू सेम आता है, 1/√2, 1/√2। बढ़िया, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, तो cot 0 दैट इज एक्चुअली अनडिफाइंड। ओके, ये वैल्यू टेबल में हमने लिखा था, तो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, तो ये होगा फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। बढ़िया, तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया एक्सरसाइज 8.2 को। आई होप एक्सरसाइज 8.2 के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।